फ्रेंड्स नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डियर फ्रेंड्स, देखो, हम सब चाहते हैं कि हमारी स्किन ब्यूटीफुल हो, सॉफ्ट हो, सफल हो और ब्लेमिशेस और एक्नी से फ्री हो। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो दावे करते हैं कि हम ये आपको सारी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करेंगे। लेकिन डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, उनको लगता है कि नहीं, हमें मार्केट के केमिकल वाले प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने हैं, हमें तो कोई नेचुरल होममेड रेमेडीज मिल जाए तो वही सबसे बेस्ट है हमारे लिए। तो डियर फ्रेंड्स, आपकी इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक होममेड रेमेडी जो आपकी स्किन को बना देगी पहले से कई गुना ज्यादा जवान और आपकी स्किन को रखेगी बहुत ही सॉफ्ट, सपल और आपकी एज को ले जाएगी बैक, रिवर्स आपकी एज चली जाएगी, जिससे कि आप खुद ब खुद देखोगे कि मेरी स्किन में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट, कुछ ना कुछ तो चेंज है। अगर आप ये जो होम रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर हम इसको यूज़ करते हैं रेगुलर बेस पे, और उस होममेड रेमेडी में हम क्या यूज़ करेंगे, बोलो बोलो। टन टन, हम इसमें यूज़ करेंगे प्लम का, और इस होम रेमेडी में हम यूज़ करेंगे प्लम और कर्ड, और तीसरा हम इसमें यूज़ करेंगे कॉर्नफ्लावर या ओट्स, कोई भी चीज़ इनमें से ले सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसका हम बनाएंगे आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा पैक जो हमारी स्किन को बना देगा बहुत 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 अच्छा। ये जो तीन चीज़ों से हम एक पैक बनाने वाले हैं वो कमाल का पैक होने वाला है, क्योंकि जो प्लम है, प्लम में विटामिन ए, विटामिन सी, ई, के होता है, जो कि स्ट्रेंथन करता है हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को और सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। और प्लम जो है वो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गुड है ब्लेमिशेस के लिए, जिनके फेस पे स्पॉट्स पड़े हुए हैं ब्लेमिशेस के और इवन टोन नहीं है हमारी स्किन। और दूसरा, इसमें जो हम रेमेडी ऐड की है वो है कर्ड। कर्ड एक एक्सीलेंट स्किन हाइड्रेटर है जो कि लैक्टिक एसिड से भरा हुआ है और ये डेड स्किन को रिमूव करता है और सेलुलर टर्नओवर को बढ़ा देता है हमारी स्किन में। कर्ड देता है हमें ग्लोइंग रिंकल फ्री स्किन, एजिंग साइन तो गायब होने ही वाले हैं, ट्राई कर रहे हैं। इसके क्या और बेनिफिट है कि सबसे पहले तो एजिंग साइन से ये पैक फाइट करेगा, रिमूव करेगा हमारी स्किन को, रेगुलर यूज से स्किन को देगा एक न्यू लुक, न्यू लाइफ, क्योंकि प्लम में होता है विटामिन सी जो बूस्ट करेगा कोलेजन प्रोडक्शन को और स्किन को बना देगा बहुत 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 ज़्यादा ग्लोइंग। और ये सनबर्न से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा और हमारी स्किन के से एक्नीज की प्रॉब्लम जो है रेगुलर यूज़ करने से उस एक्नी की प्रॉब्लम को ये दूर कर देगा और ब्लेमिशेस को ठीक करेगा, कम्प्लेक्शन को फेयर करने का काम करेगा और रिड्यूस करेगा हमारे अंडर आई बैग्स को। आपने देखना कि यहाँ पे जो हमारी स्किन के पास, आई एरिया के पास पफिनेस जैसी हो जाती है, उन पफिनेस को भी ठीक करने का काम करेगा ये पैक। और इसको यूज कैसे करना है डियर फ्रेंड्स, ये होम मेड प्लम पैक बनाने के लिए मैंने एक प्लम लिया है जो थोड़ा सा मैंने हार्ड लिया। अगर आपके पास पका हुआ प्लम हो तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने ये थोड़ा सा कच्चा प्लम लिया है और 1 चम्मच डाल दिया है इसमें कर्ड। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्सी में मैश कर लेंगे। तो इस तरीके से कुछ पतला सा पेस्ट बन गया है, तो ये इतना पतला है कि ये हमारे फेस पे नहीं टिकेगा, तो हम इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए इसमें डाल देंगे कॉर्न फ्लावर, कि जितना ये इसका थोड़ा सा जो लिक्विड है वो इसको एब्जॉर्ब कर ले। तो डियर फ्रेंड्स, ये बन गया है हमारा एंटी एजिंग फेस मास्क। तो इसको हम यूज़ करेंगे क्रीमी मास्क तरह ही, एक हल्की सी इसकी लेयर लगाएंगे अपने पूरे फेस पे और 20-30 मिनट जितना भी आपको कंफर्टेबल है उतनी देर हम इसको रखेंगे और उसके बाद इसको हम कर देंगे वॉश। तो इसको मैं करती हूँ अपने फेस पे अप्लाई।
फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे ये रिजल्ट देगा हमें। फेस हमारा क्योंकि इसमें विटामिन सी है, विटामिन ई है, ए है, के है, तो हमारी आईज के पास जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है उसको भी ये ठीक करेगा। और फिर मिलेंगे 20 से 30 मिनट के बाद। पैक को लगाया हुआ है, अब हमें हो गया है कोई आधा घंटा तो आई थिंक होने ही वाला है। तो अभी हम इसको वॉश करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट है इसका हमारी स्किन पे। और मैं करके आती हूँ वॉश और फिर आप ही बताना कि क्या रिजल्ट है विटामिन सी का हमारे फेस पे, हमारी आईज पे। तो वेट फॉर अ सेकेंड, देख सकते हो कुछ इस तरीके की इसने हमारे फेस पे लुक दी है, शाइनी और कम्प्लेक्शन भी, और एकदम फ्रेश स्किन लग रही है मेरी। तो फ्रेंड्स ये स्किन को वैसे ही इतना शाइनी कर रहा है कि इसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है, ऑयली स्किन वालों को तो बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। तो अभी मैंने जाना है कहीं तो लिपर भी लगा देती हूँ। और ये बहुत सारा फेंकेंगे नहीं, हम इसको फ्रिज में स्टोर कर लेंगे एक जार में, और ये 3-4 टाइम और हमारे फेस पे अप्लाई हो जाएगा। और इसको हमने हफ्ते में 1 या 2 बार ही यूज़ करना है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना। और आधे घंटे के लिए रखेंगे और उसके बाद वॉश कर देंगे। और रेगुलर यूज से ये पैक हमारी स्किन को बना देगा बहुत ही सॉफ्ट, सपल, ब्यूटीफुल, और जो एजिंग साइन है हमारी स्किन पे आ रहे उसको कर देगा रिवर्स। तो डियर फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आप ये पैक भी बनाओगे और अपने फेस पे अप्लाई करोगे तो आपको कैसा इसका रिजल्ट लगा। तो डियर फ्रेंड्स मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।